व्यूअर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं जो उस पौधे के विषय में बता रही हूँ, उसको वो एक फर्न है, उसको बॉस्टन फर्न भी कहते हैं। और इसकी कैसे हम केयर करते हैं, कैसे इसको प्रोपोगेट करते हैं, इसको कैसी खाद चाहिए, इसी से मैं बताऊँगी। और ये वीडियो मेरा ख़ास तौर से बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी कोई फर्न नहीं लगाया है, वो इस फर्न को लाएं और लगाएं। ये एक परमानेंट पौधा है और आपके यहाँ हमेशा के लिए चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे आप कई सारे पौधे बना सकते हैं। इसका जो है ये यहाँ से देखिए, ये आप कितना निकल रहे हैं, ये भी भर जाएगा गमला पूरा। इससे मैंने निकाल के कई पौधे बनाए हैं। तो बरसात के टाइम तो अभी भी बन जाएंगे, थोड़ा फरवरी लास्ट में भी ठंडा है, लेकिन इसकी जड़ ऐसे निकाल लीजिएगा, उस जड़ से डिवाइड करके इसको अलग कर लीजिएगा, तो इससे कई पौधे बन जाएंगे आपके। और देखने में गमला जब पूरा भर जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। मैंने तो ये इस तरीके से आप इससे कई पौधे भी बना सकते हैं, और ये हैंगिंग में भी बहुत सुंदर लगता है, ये हैंगिंग में भी आप इसको लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसको अब हम बताएंगे कि इसको लाइट जो है, वैसे तो इसको लाइट अच्छी चाहिए, लेकिन इसे धूप पसंद नहीं है। जब गर्मियाँ मई जून की आएंगी तब इसको बचाना, थोड़ा सा केयर ज़्यादा मांगता है। इसको आप फिर छांव में रखें और थोड़ा सा झुंड जहाँ पौधे रखें वहाँ रखें। गर्मी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इस समय तो थोड़ी सी धूप ठंडी है तो दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मियों की धूप तो बिल्कुल नहीं। तब तो फिर इसकी जो पत्तियाँ हैं, ये बिल्कुल इनकी पत्तियों की सुंदरता है, पत्तियाँ इसकी बिल्कुल जल जाएंगी। तो दूसरे, इसको पानी की बात करें तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। इनकी पत्तियों पे आप गर्मियों में स्प्रे करिए, सुबह शाम पानी का स्प्रे डालिए, तो इनको इनकी मिट्टी हमेशा ऐसी नम रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए इसकी मिट्टी, तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो पानी की बात हो गई। और दूसरे, इसे आप लाइए और सिंपल मिट्टी जो हमने बनाना बताई है, 40% मिट्टी, 20% जो है रेत, और रेत हम इसीलिए डालते हैं जिसके पानी रुकना नहीं चाहिए, और 20% खाद कंपोस्ट वाली मिला करके आप इसको लगा दीजिए। ये कोई खास केयर नहीं मांगता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला यही है कि गर्मियों में इसे थोड़ा सा बचाना है। और बरसात के मौसम में तो ये बहुत सुंदर अच्छा हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है उस समय एटमोसफियर में, तो ये बहुत सुंदर पूरा भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है गमला। और खाद तो मैं इसे कोई विशेष नहीं देती हूँ, बस मैं केवल फरवरी में, और आपका जब सितंबर, मैं दो ही बार खाद देती हूँ। कंपोस्ट खाद आप इसे दे दीजिए, और बीच बीच में कभी कभी मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल देती हूँ। तो बस इसमें कोई खास केयर नहीं, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये गमला अभी देखिए कितने छोटे छोटे निकल रहे हैं, इससे अभी थोड़े दिन में ये पूरा गमला भर जाएगा। इसको ये देखिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा निकल रहा है, ये देखिए गमला भर जाएगा। तो इसको आप अपने घर में शामिल कीजिए, बहुत अच्छा ये पौधा है, और लगाइए आप इसको। बिगनर्स हमारे इसको लाइए ज़रूर। और तो वैसे तो जो पौधा प्रेमी हैं उन्होंने सभी ने लगा रखा होगा, लेकिन जो मेरे बिगनर्स हैं उनको मैं ज़्यादा बताना चाह रही हूँ कि वो इस पौधे को लेकर के आएँ और अपने घर में शामिल करें। बस इतनी ही जानकारी है। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।